क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग द कंडीशन आर्क जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाय फोर लाइज ऑन अ सर्कल। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आप लोगों के लिए एडवांस लेवल का है, पर अच्छी बात है आप इसको अगर कर रहे हैं तो आपको बाकी के क्वेश्चन ईजी लगेंगे। देखिए, आपको दिया है आर्क। अब आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है पहले आपको मैं समझाना चाहूँगा। जैसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जेड, तो जब भी आप जेड का आर्ग्यूमेंट लेते हैं ये हो जाता है आपका टेन इनवर्स बी बाय ए। जो आयोटा वाला पार्ट है ऊपर आता है बी इमेजिनरी पार्ट, और रियल पार्ट ए नीचे आता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, हम इसी चीज़ का इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप क्या कीजिए, जेड को वही चीज़ ए प्लस आई बी ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ए प्लस आई बी माइनस वन। अब पहले आप इस पूरी चीज़ को सॉल्व कर लीजिए। आपका मेन एम क्या रहता है कि डिनोमिनेटर में से आपका इमेजिनरी टर्म हट जाए। इसको अगर मैंने ऐसा लिखा तो थोड़ा सा आपको दिखने में अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि आप जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ए प्लस वन माइनस आई बी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा आई को आप कॉर्नर में कर दिया करें। तो ये आपको मिल रहा है ऑन रेशनलाइजिंग ए माइनस वन प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस वन माइनस आई बी डिवाइडेड बाय ए प्लस वन माइनस आई बी इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर। तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस वन इंटू ए प्लस वन, ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस वन, ये आप जानते ही हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद माइनस आई ए बी प्लस आई बी और माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आई स्क्वायर मतलब माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस बी स्क्वायर ऐसा हो गया। और डिनोमिनेटर में ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर मतलब माइनस वन, तो माइनस माइनस अगेन प्लस, तो प्लस बी स्क्वायर। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इनको अलग अलग कर लीजिए आप, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन, ये आपका रियल पार्ट डिवाइडेड बाय ये पूरा ए प्लस वन का स्क्वायर, फिर इमेजिनरी पार्ट आई इंटू टू बी, क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाते टू आई बी होता, डिवाइडेड बाय वापस से पूरा। अब आपने इसका आर्ग्यूमेंट लिया तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ ये पूरा आप क्या मान लीजिए वाई, और इसको पूरे को एक्स। तो ये वाई लिखा है और ये एक्स लिखा है, तो टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स होगा। तो ये पूरी चीज़ डिवाइडेड बाय ये पूरी चीज़ टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स ये टू बी डिवाइडेड बाय ए प्लस वन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर। अब टेन इनवर्स को आप इधर भेज दीजिए तो ये टेन पाई बाय फोर हो जाएगा। तो टू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू टेन पाई बाय फोर, ये आपका होता है वन। आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो टू बी, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। अब आप चाहें तो उसको एक्स वाई फॉर्म में लिख दीजिए, एक ही बात है, मैंने ए बी लिया था ए प्लस बी आई लिया था। अगर आप एक्स प्लस आई वाई लेते तो आपको एक्स और वाई मिलता है ये, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। अब आप देख लीजिए सर्कल की इक्वेशन है, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाई माइनस वन का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से मिलेगा। तो इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, हैंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द इक्वेशन मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड प्लस वन प्लस टू आई। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें भी आप क्या कीजिए, जेड को ले लीजिए, इस बार आप काम कीजिए एक्स प्लस आई वाई ले लीजिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जनरली इक्वेशन जो आपकी निकलती है वो एक्स वाई के फॉर्म में निकलती है। चाहे तो आप ए प्लस आई बी भी ले सकते हैं, वो भी ठीक है, पर ज़्यादातर हम इसका यूज़ करते हैं। तो जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, अब यहाँ पर आपको दे रखा है मॉड ऑफ जेड, आपने वैल्यूज चढ़ाई तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई प्लस वन प्लस टू आई। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मॉड ऑफ
रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये चीज़ आप जानते हैं। तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पर अब आप रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट इनको एक साथ कर लीजिए, एक्स प्लस वन ये है आपका रियल पार्ट और आई वाई प्लस टू इमेजनरी पार्ट। अब यहाँ पर आप एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लीजिए एल एच एस और आर एच एस में रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करके। ये आपका रियल पार्ट है तो उसको आप इससे कंपेयर कीजिए, इमेजनरी पार्ट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप जीरो ही लिख दीजिए और इन दोनों कंपेयर कर लीजिए। ठीक, तो क्या मिल रहा है आपको? ऑन कंपेयरिंग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन और दूसरी जगह जीरो इज इक्वल्स टू वाई प्लस टू, तो वाई की वैल्यू तब के हाथों हाथ निकल गई, वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू। अब वाई की वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करी तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर मतलब फोर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। अब दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये दोनों कैंसिल हो गए आपके तो आपको एक्स मिल रहा है थ्री बाय टू, वाई माइनस टू एक्स थ्री बाय टू। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड था वैल्यू के फॉर्म में आपको मिल गया एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू थ्री बाय टू माइनस टू आई, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, इफ मोड ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल्स टू जेड प्लस टू इंटू वन प्लस आई देन फाइंड जेड। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप वही कीजिए, जेड को एक्स प्लस आई वाई ले लीजिए, ये आपको मिल जाएगा मोड ऑफ एक्स प्लस आई वाई। अब क्योंकि मॉड्यूलस है, आपका रियल पार्ट क्या है यहाँ पे एक्स प्लस वन और इमेजिनरी पार्ट प्लस आई वाई, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर एक्स प्लस टू प्लस आई वाई प्लस टू। अब ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स जैसा भी आपने किया था प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू मिल रहा है और इधर कुछ नहीं है तो प्लस जीरो आई एक बार फिर, तो जीरो इज इक्वल्स टू वाई प्लस टू, तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू। आपने दोनों साइड स्क्वायर किया तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, वाई है आपका माइनस टू तो ये फोर हो जाएगा और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, फोर से फोर कैंसिल हो गया, ये आपको मिल रहा है वन इज इक्वल्स टू टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय टू। बस आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई वन बाय टू माइनस टू आई, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ आर्ग्यूमेंट जेड माइनस वन इज इक्वल्स टू आर्ग जेड प्लस थ्री आई देन फाइंड एक्स माइनस वन इज टू वाई वेयर जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका, मुझे समझ नहीं आ रहा कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की श्रेणी में कैसे दे दिया इन्होंने, ठीक है पर अच्छा है, प्रैक्टिस होगी आपकी। देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन, वापस से जेड को आप ले लीजिए एक्स प्लस आई वाई, तो आर्ग्यूमेंट जेड माइनस वन ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू यहाँ पर आर्ग्यूमेंट। ठीक, इसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिए आप। अभी कितना हो रहा है आपका, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वन, आपको मैंने बताया था ये पूरा का पूरा एक रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, उसी तरह यहाँ पर भी टेन इनवर्स आपका इमेजिनरी पार्ट वाई प्लस थ्री अपॉन एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपको ये मिल रहा है एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स माइनस वाई माइनस थ्री, एक्स वाई कैंसिल हो गए। अब इसको इधर लेकर गए आप तो ये मिल रहा है वाई इज इक्वल्स टू थ्री इंटू एक्स माइनस वन। अब रेशो क्या फाइंड करना है आपको, एक्स माइनस वन इज टू वाई, देखिए बराबर मिल गया आपको, यहाँ कुछ नहीं है तो वन, तो वन बाय थ्री इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन बाय वाई, तो आपका रेशो आ गया वन बाय थ्री, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट मोड ऑफ जेड माइनस टू अपॉन जेड माइनस थ्री इज इक्वल्स टू टू रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं।
वापस से जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, हर क्वेश्चन आपको ऐसा करना है। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करी तो मोड ऑफ एक्स प्लस आई वाई माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आई वाई माइनस थ्री इज इक्वल्स टू टू, इसको आपने आगे पीछे करके लिखा, ठीक, मोड लेने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मॉड्यूलस लिया आपने तो ये अंडर रूट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। हाँ, पहले एक चीज़ आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, ये जो मॉड्यूलस अगर इस तरह से होता है मोड ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू, तो ये ऐसा हो जाता है मोड ऑफ जेड वन अपॉन मोड ऑफ जेड टू, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो ये सेंस कर दीजिएगा, अब दोनों जगह आपने अलग अलग मोड किया तो मोड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस आई वाई डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस आई वाई, अब ये आपको मिल रहा है अंडर रूट इज इक्वल्स टू टू, ठीक। अब आप दोनों जगह स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये आपको मिल जाएगा एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर गया तो टू टू जा फोर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस सिक्स एक्स होता, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, तो माइनस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस नाइन फोर जा थर्टी सिक्स प्लस फोर वाई स्क्वायर। अब इस पूरी चीज़ को आप राइट हैंड साइड लेके गए तो आपको ये मिल जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। आपको सर्कल की क्वेश्चन निकालने के लिए एक्स और वाई को अकेला करना पड़ेगा, तो इस पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट आप थ्री से डिवाइड कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी बाय थ्री एक्स प्लस थर्टी टू बाय थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस ट्वेंटी बाय थ्री एक्स आ रहा है, अगर आप इसको एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, इन दोनों को लेता हूँ मैं, एक्स माइनस टेन बाय थ्री इस पूरे का स्क्वायर माइनस हंड्रेड बाय नाइन, ठीक। देखिए ऐसा मैंने करा, ये क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर फिर माइनस टू इंटू टेन बाय थ्री इंटू एक्स, मतलब माइनस ट्वेंटी बाय थ्री एक्स, तो जहाँ पर मैंने राइट लगाए हैं दोनों चीज़ इसमें आ गई। अब साथ में इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ रही थी, प्लस हंड्रेड बाय नाइन, तो जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाया। अब क्योंकि ये एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर आपको उसको माइनस भी करना पड़ेगा, ये आप करते आए हैं अभी तक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, ठीक। तो ये ऐसा फिर प्लस थर्टी टू बाय थ्री, और वाई को तो सिंपली ऐसा कर दीजिए वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, अभी आपको मिल गया एक्स माइनस टेन बाय थ्री इज इक्वल्स टू हंड्रेड बाय नाइन माइनस थर्टी टू बाय थ्री, तो थर्टी टू थ्री जा नाइन्टी सिक्स, हंड्रेड माइनस नाइन्टी सिक्स फोर, फोर बाय नाइन मतलब टू बाय थ्री इस पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स माइनस टेन बाय थ्री इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर। देख लीजिए आप, बिल्कुल ये आपके सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ आप लिख दीजिए इट इज, तो इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, ये आपके एक पार्ट का आंसर हो गया, मतलब प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। अब इसके बाद आप देखिए कि जब ऐसा होता है तो आपका ए और बी ये क्या होता है, इसका सेंटर और आर रेडियस, वेयर तो हियर ए कॉमा बी क्या हो गया आपका टेन बाय थ्री कॉमा जीरो, और रेडियस इज इक्वल्स टू आर, तो यहां पर आर क्या हो गया आपका टू बाय थ्री, तो टेन बाय थ्री कॉमा जीरो ये आपका सेंटर और टू बाय थ्री ये आपका रेडियस, ये दूसरे पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर वेयर जेड इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ जेड, ठीक है इसको हम देख लेते हैं। देखिए आपको दिया है यहाँ पे जेड माइनस वन और जेड प्लस वन, ये क्या है आपका प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको जब आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करेंगे तो इसका रियल पार्ट जीरो होगा। प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या है, ए प्लस बी आई में ये ए आपका नहीं आ रहा है, ओनली बी आई आ रहा है, ठीक। तो पहले आप क्या कीजिए, जेड को ले लीजिए एक्स प्लस आई वाई या ए प्लस बी आई एक ही बात है, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक। अब इसको करा आपने रेशनलाइज तो मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन माइनस आई वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन माइनस आई वाई, तो ये कितना हो रहा है आपका
यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, आपने अलग अलग करके लिखा इसको, तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस आई, यहाँ पे टू आया था, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। आप लिख दीजिए क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये पूरा क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। हियर रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इमेजिनरी है तो रियल पार्ट जीरो होगा। अब रियल पार्ट यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, ये पूरा, तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो चला गया डिनोमिनेटर आपका, ये आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक, ये चीज़ आपको मिल गई। अब आप देखिए इसमें आपको बनाना है मॉड ऑफ जेड। आप सोचिए यहाँ पे जेड अगर एक्स प्लस आई वाई है तो मॉड ऑफ जेड क्या होगा आपका, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज़ आप भी समझ गए हैं, मॉड्यूलस इस तरह से दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप अंडर रूट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट वन, और ये वन ही होता है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू वन, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, जेड वन एंड जेड टू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉड ऑफ जेड वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड टू एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू इज इक्वल टू पाई, देन शो दैट जेड वन इज इक्वल टू माइनस जेड टू बार। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें आप क्या कीजिए, जब भी आपको इस फॉर्म में ये इक्वेशन दे रखी हो, आर्ग जेड वन आर्ग जेड टू और इज इक्वल टू पाई आ रहा हो, तो यहाँ पर आप इसका पोलर फॉर्म लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की जगह आप मॉड ऑफ जेड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ये एक ही बात है। ये आपका क्या है, मॉड्यूलस, और ये क्या है आपका, आर्ग्यूमेंट। ठीक, तो आप जेड वन को लिख लीजिए मॉड ऑफ जेड वन ब्रैकेट में कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है आपके दो दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, एक थीटा वन होगा तो एक थीटा टू होगा, उसी तरह से आपका जेड टू सिमिलरली। अब यहाँ पर आप देखिए मॉड ऑफ जेड वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड टू दिया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसका हम यूज़ करने वाले हैं अभी। पहले हम थीटा वन थीटा टू में पाई के हिसाब से रिलेशन निकाल लेते हैं। आपको जेड वन इज इक्वल टू माइनस जेड टू पुट करना है तो हम इसको पिक करेंगे और इसके अंदर थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा टू लिखेंगे तो जाके आपको जेड टू मिलेगा। अब पहले थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू पाई, ये आपको दिया है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा आर गॉफ जेड वन इज इक्वल टू थीटा वन, ये आपने लिया है, आर गॉफ जेड टू इज इक्वल टू थीटा टू, इधर भी टेक। तो दिस इंप्लाइज थीटा वन इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा टू। ठीक, क्योंकि जिस इक्वेशन में मैंने राइट लगाया है उसको हम लेने वाले हैं। चलिए, अब ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी जेड वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन या ब्रैकेट में कॉस पाई माइनस थीटा टू फिर प्लस आई साइन पाई माइनस थीटा टू ब्रैकेट क्लोज। अब क्योंकि आपको जेड टू लेकर आना है तो जेड वन और जेड टू इक्वल है मॉड्यूलस में, तो सिंस मॉड ऑफ जेड वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड टू गिवन अबो इक्वेशन बिकम्स जेड वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड टू। ठीक, और यहाँ पर कॉस पाई माइनस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा, ये आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा टू, साइन पाई माइनस थीटा मतलब प्लस साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ये, तो प्लस आई साइन थीटा टू। ठीक, अब यहाँ से आपने माइनस साइन भर लिया तो आपको ये मिल रहा है माइनस मोड ऑफ जेड टू अंदर कॉस थीटा टू माइनस आई साइन थीटा टू इज इक्वल टू जेड वन। अब यहाँ पर आप देखिए जेड टू आपका क्या था, मॉड ऑफ जेड टू, इससे तो हमें कुछ मतलब नहीं है, कॉन्स्टेंट रहता है, कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। अगर आप जेड टू बार करते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट है वहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, ये चीज़ आपको मैंने बताई थी। देखिए आपको अगर दे रखा है ए प्लस बी आई
इज इक्वल्स टू जेड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड बार इसका कंजुगेशन ये होता है ए माइनस बी आई, ठीक। तो इधर जेड टू बार क्या हो जाएगा, कॉस थीटा टू माइनस आई साइन थीटा टू, ऐसा ही होना चाहिए। तो माइनस जेड टू बार इज इक्वल्स टू जेड वन, ये आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव।